नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड की दमदार आवाज। और आज हम खाद्य जो वितरण होता है जहाँ पे जड़ावखान में गोदाम में हम खड़े हैं, सरकारी गोदाम में। और यहाँ पे सरकारी गल्ले के तमाम डीलर लोग जगह जगह से नंडा कोनों कोनों से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपके नाम? हाँ नमस्कार, महपाल भाई, मेरा नाम प्रदीप रावत और खाली डांडा से। आज हम सब लोग, पहले तो आपका स्वागत है कि आप लोग हमारी बात पे यहाँ पे आए और हमारी बात को आपके माध्यम से शासन प्रशासन को जाए, ऐसे हमारी हम समझते कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं सुनवाई होगी, क्योंकि आजकल मीडिया हर जगह हावी है। तो अब तक आप आज देख रहे हो कि आज यहाँ पे बैठक है, बैठक होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है। और इससे पूर्व भी हमने यहाँ पे बैठक रखी थी जिसमें बहुत सारी मांगे हमने रखी थी, जिसमें कि 2012 से एक तो जो है कि किराया में जो रेट 2012 में फिक्स थे उनमें कोई वृद्धि नहीं है, जबकि आज की डेट में इतनी महंगाई हो चुकी है, हर जगह किराया डबल हो चुका है बसों का, या हर जगह आप देख रहे कोरोना महामारी के लोग कितने परेशान हैं। लेकिन यहाँ पे डीलरों के लिए 2012 से वही रेट अभी तक चल रहा है। और कई दूसरा जो माल जाता है यहाँ से, जबकि यहाँ से गवर्नमेंट द्वारा साफ साफ है कि यहाँ से 52 किलो का जो कट्टा होता है वो तोल के देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से मुश्किल से सभी डीलर यहाँ पे है। आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे कम से कम 44-45 किलो से ऊपर का पट्टा कभी किसी को मिलता नहीं है, जबकि वो गवर्नमेंट द्वारा डीलर को 52 किलो दिया जाता है। कितनी उसमें यहाँ से फिर डीलरों के पास जाता है, वहाँ पे माल गिरता है, वो नहीं मिल पा रहा है सही से एकदम। तो कुछ मिला के शासन प्रशासन ने ऐसा कर रखा है कि डीलरों की कहीं सुनवाई नहीं है, जबकि आप देख रहे हो हमारे आशा कार्यकर्ती हो या आंगनवाड़ी में है, सबके लिए सरकार द्वारा कुछ ना कुछ उसमें मानदेय का प्रावधान है, लेकिन डीलर इतने साल से जो मतलब हमारे तो पैदा होने से पहले से डीलरशिप कई लोग संभाल रहे, लेकिन उनके हाथ में केवल बोरी झाड़ने के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा। तो सर आज आपकी कौन कौन सी मांगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को जो संज्ञान में देना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी ये मांगे है कि जो अब इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है, पहाड़ों में इंटरनेट की सेवा इतनी खत्म है कि इंटरनेट कहीं चलता ही नहीं है, तो कैसे करके डीलर बायोमेट्रिक से राशन बांटे? सबसे पहले मांग तो ये है कि इंटरनेट की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। दूसरा, जब डीलर बोले तभी माल यहाँ से गोदाम से जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ से अपनी मर्जी से यहाँ से डीलर के पास माल भेज दिया जाए, ये सबसे गलत है। दूसरा, इसमें किराया का प्रावधान होना चाहिए, या तो किराया चालान में ही काट देना चाहिए, चालान में एडजस्ट करना पड़ेगा कि पहले ये किराया उसमें कम कर दिया जाए, या तो फिर पर मंथ का किराया अकाउंट में डीलर के सीधा आना चाहिए। इसमें चैन सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये कमीशन खोरी जो है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि डीलर आप देखते हैं कि डीलर को लोग ऐसे समझते कि पता नहीं कितना कमा रहा है क्या कर रहा है, लेकिन वो डीलर जानता है जो वास्तव में जिसके पास राशन जा रहा है, जिसके पास 52 किलो का जो एक यहाँ से 52 किलो का माप के हिसाब से जाता है, लेकिन वहां पे पहुंचते पहुंचते वो 44-43 किलो का होता है, तो 7-8 किलो कहाँ से डीलर एडजस्ट कर पाएगा, ये आप समझते हैं और सब लोग जानते हैं, लेकिन तब भी मानसिकता लोगों की ऐसी है कि पता नहीं डीलर कितना खा रहा है क्या कमा रहा है। तो नैनडांडा यहाँ पे जो डीलर लोग हैं और डीलरों की ये मांग है कि एक तो राशन में जो राशन है वो राशन पूरा नहीं आता ऊपर से जहाँ से खाद्यान्न से ये सप्लाई होता है, और मैं यहाँ पे बीरेन सिंह रावत जी एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनसे भी बात करनी है। दिक्कत तो ये आ रही है कि एक तो किराया नहीं मिल पा रहा सही टाइम से, 50-52 किलो की बोरी बताते हैं हम लोगों को यहाँ पे, और वो मिलती है 42 किलो की, ना हमें तोल के दिया जाता है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं आपकी नेट सिस्टम से होगा सारा काम जो है ऑनलाइन होगा, अब वो आप ऑनलाइन की समस्या तो पहले हमारे ब्लॉक में सही नहीं है, हमारे तहसील में सही नहीं है, तो क्या एक आदमी जो है पूरे दिन भर वहीं पे खड़ा रहेगा, पता है उसे अंगूठा, उसकी भी कोई व्यवस्था की जाए। मतलब तो यहाँ पे कहीं मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं डीलर लोग, जो खाद्यान्न गोदाम है हमारा जड़ावखान में डुमाकोट का एरिया में, और मैं कह सकता हूँ कि डीलरों की पीड़ा आज समझी जा सकती है, कोरोना महामारी में राशन भी आया था और कहीं ऊपर से राशन उनको कम पड़ता है,
जैसे उन्होंने बोरियां गिनवाई और कई उनके यहाँ पे बोनस नेटवर्किंग हो चला, ऑनलाइन हो चला है राशन, उसमें भी उनको कई कमियां नजर आती है। तो चलिए अन्य लोगों से भी बातचीत करते हैं। मनमोहन भाई, क्या? नमस्कार महिपाल भाई, हमारी मांगे जो है वो सरकार से यही है कि जो लोग क्षेत्र में तमाम लोगों को खाद्यान्न की सुविधा दे रहे हैं डीलर यहाँ पर, उन लोगों के विषय में भी सरकार को सोचे। उसमें जैसे हमारा किराया है या कोरोना काल में निरंतर हम ऑनलाइन के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है, हमें सरकार ने आज तक एक सैनिटाइजर या एक मास्क तक नहीं दिया है, या हमारे प्रोत्साहन के लिए कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। और जैसे वेतन के लिए है तो सरकार को हमारे विषय में भी सोचना चाहिए कि इन लोगों के भी परिवार हैं, ये लोग यहाँ पर जो है लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं, तो इनके वेतन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। दूसरा, आपके माध्यम से मैं उन तमाम डीलर भाइयों से और आह्वान करता हूँ दूर दराज क्षेत्र में या अन्य ब्लॉकों में, वो भी एकत्र हों, आपस में ये संगठन बनाएं और सरकार से पुरजोर मांग करें, अपने हितों के लिए लड़ें और अपनी बात को सरकार तक जो है वो पहुँचाएँ। तो यहाँ पे डीलरों ने अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी मौज जवानी, अपनी कहानी उन्होंने यहाँ पे बताई कि सरकार द्वारा उनको क्या क्या सेवाएं मिलती थी समय तक और अब क्या सेवाएं उनसे दूर होती जा रही है, वो तमाम मांगे और बातें उन्होंने वॉइस ऑफ माउंटेन पे रखी है। तो आपने देखा यहाँ पे इनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही है, समस्याएं इनकी सुनी जा रही सरकार की तरफ से। अभी इनका ये कहना है कि नेटवर्किंग बायोमेट्रिक सिस्टम, अभी गवर्नमेंट ने जो डिजिटल इंडिया की बात करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, विधायक जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उनसे क्वेश्चन भी किए थे लेकिन उन्होंने गोल मटोल जवाब दिए हैं। हरियाणा में एक बैठक में वो मिले थे, उनमें आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछली न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पर उनके घुमावदार जवाब, हर एक सवाल पर उन्होंने घुमाया है लेकिन उनका सही जवाब ना सटीक जवाब था, इससे कोई सेटिस्फाई हुआ। अच्छा, मेरे साथ और भी यहाँ पे डीलर है जिन्हें ये समस्या आ रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे राशन वितरण के लिए, लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस निन्याना ब्लॉक में, और निन्याना ब्लॉक के पिछड़े क्षेत्र में अभी डॉक्यूमेंट के साथ पिछले क्षेत्र में आया हुआ है। तो यहाँ पे ये किस लिए आया हुआ है, अभी हॉस्पिटल की बात भी हम करते हैं लेकिन अभी बात करते हैं हम राशन जो वितरण यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नंदन। आप कहाँ से सर? हम चैनपुर से। आप डीलर से? हाँ जी, हमारे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार फ्री का राशन भी दे रही है, अब लोगों को तो हम फ्री का राशन दे रहे हैं, अब सरकार ये नहीं देख रही कि डीलर के पास किराया कहाँ से आएगा। अब जैसे आम आदमी ऐसे आम, हम भी डीलर, हमारी कोई तनख्वाह नहीं है, ना हमें कुछ मिल रहा है ना किराया, जो हमारा वैसे भी मिलता है हमें किराया, पहले अब भी नहीं मिलता है, तो टाइम से किराया मिलता नहीं, अब हम कहाँ से किराया दें। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे अगर वो रेंट पे रहते हैं, रेंट पे उनका दुकान ओपन रहता है लेकिन यहाँ पे उनको किराया तक नहीं मिल पाता। इस कोरोना काल में सभी को यहाँ फैसिलिटी मिलती, किट की पूरी फैसिलिटी मिलती थी लेकिन यहाँ पे राशन वितरण का उनको यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। और इनको बायोमेट्रिक सिस्टम का जो यहाँ पे प्रावधान है, यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि पहले सबसे पहले नेटवर्क सिस्टम तैयार करें यहाँ पे, तभी जाके आगे कहीं हमारे जितने भी भाई हैं जो भी यहाँ पे लेने के लिए आते हैं राशन, उनको भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए बार बार दिक्कतें राशन वितरण करने। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सबसे पहले मुख्य मांग है, एक तो डीलरों की जो है मानदेय, क्या सबसे मुख्य मांग है हमारी, माना हम अभी मानदेय कुछ नहीं, मानदेय कुछ नहीं है, मानदेय माना हमारी है ना, हम अपने माना हम तो सर, हम पैसा अपना लगाते हैं, अपने पैसे ले जा रहे हैं राशन, जो हम अपने पैसे ले जाते हैं, सरकार हमें कोई सुविधा नहीं देती है। इनका कहना ये भी है कि यहाँ पे पूरी तरह से इनको जो बोरियां यहाँ से मिलती है गोदाम से, लेकिन ये तोल के मिले उनको, उनको 52 किलो का इकट्ठा होता है तो 52 किलो मिले, 46 किलो ना मिले उनको तोल के मिलने, लेकिन यहाँ पे इनका ये भी है आपको जो है पहले ही 52 किलो लगा दिया, आपको 47 किलो मिल रहा है, आपको 45 किलो मिल रहा है, आपको डीलर उससे कहाँ से पूरा करेगा? अगर सरकार को, अगर कोई किसी ग्राहक को नहीं मिल रहा था कि मेरे को तो इतना कम दे दिया, वहाँ कहाँ से पूरा होगा? हमारा वहाँ पे राशन गिर रहा है, हमारे को जो है एक आदमी मिलना चाहिए, एक उसका भी किराया मिलना चाहिए जो हमें हमारे साथ तोलेगा वहाँ पे, तोलने के लिए आपको यहाँ तोलने के लिए हमारे पे कोई सिस्टम नहीं है, बिजली का किराया मिले हमें, जो हमारे बिजली उस पर खर्च होती है, नेट प्रॉब्लम जो नेट है हमारे उसके लिए भी हमें पैसा मिले, और
गोदाम के लिए हमें पैसा मिले, एक बीज किसी भी चीज का सरकार बताए ना कि किस चीज का, और सरकारी ऊपर से ठप्पा लगा दिया गया है कि आपको आप तो सरकारी हैं जी, अभी चेक करने एक आ जाता है, दूसरा अधिकारी चेक करने आता है, तीसरा अधिकारी चेक करने आता है, और अपने अपने हाल नहीं देखते कि हमारे सरकार के द्वारा हमें मिला क्या हुआ है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पे गोडाउन से उनको पूरी तरह राशन नहीं मिल पाता है सर, आपका सुनना। दर्शन सिंह रावत है, दिगोली खास सर, हम इधर हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें मानदेय दिया जाए, और अगर बाकी जो कंप्यूटर का ये वो चल रहा है अब, इसके लिए एक कंप्यूटर चलाने के लिए आदमी चाहिए, फिर एक तोड़ने के लिए आदमी चाहिए दुकान पे, कहीं कहीं नेट, कहीं नेट नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं आता है। वास्तव में मानदेय तो जरूरी है पहले, सबसे पहले। और ये लाभांश से क्या होगा, कुछ लाभांश सर, हम एक दुकान पे दो दो आदमियों की आवश्यकता तो जरूरी है, एक आदमी वहां पे तोलेगा और एक आदमी वहां पे नेटवर्क में चलाएगा तो कैसे करके काम चलेगा बताइए आप, और बिल्कुल दो आदमियों की आवश्यकता है अगर आप। और हमने तो बोल दिया कि इस बार क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने उठा दिया राशन, तो अक्टूबर का उठा लें, और उसके बाद बिल्कुल नवंबर से हम बिल्कुल भी राशन नहीं उठाएंगे, सरकार अपनी व्यवस्था कर ले, हम बिल्कुल भी राशन नहीं उठाएंगे, वो सरकार जाने का। तो यहाँ पे इनकी मांग यही है कि अगर नवंबर तक सरकार इन चीजों को सही नहीं करती है, दुरुस्त नहीं करती है, इनके मानदेय तय नहीं करती है, साथ साथ इनको एक साथ के लिए एक बंदा चाहिए जो यहाँ पे उनके साथ तोलने का काम करे, वहाँ पे नेट सिस्टम में बायोमेट्रिक के तरीके से उनको वितरण करे, उससे वो अकेले ही वो सब करते रहते हैं, इसमें बड़ी परेशानी होती है उनको, भीड़ वहाँ काफी भीड़ लग जाती है। और यहाँ पे और ही भाई हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह रावत। हाँ सर, हमें ये समस्या भी है, एक तो गोदाम किराया भी देना पड़ता है ना, लोगों की परेशानी, हमारे यहाँ नेट ही नहीं चलता, कहाँ से वो करें हम। सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि डिजिटल इंडिया, सरकार बात करती है डिजिटल इंडिया की, लेकिन पहाड़ों में डिजिटल इंडिया पूरी तरह फेल है ग्राउंड लेवल पे, तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए, पहले डिजिटल इंडिया दुरुस्त करनी चाहिए। जब ब्लॉक की बात करें हम, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, बैंक से लेकर डाकघर से लेकर हर तरह से डिजिटल इंडिया की बात करने के बजाय तो हम किसी और की बात करें यहाँ पे, या तो फिर आप उनको ऑफलाइन की तरह फॉर्म दिए जाए उनको, तो वो काम आसानी से कर सकें। अर्जुन सिंह रावत है मेरा नाम, ग्राम तुलडांडा का हूँ मैं। ग्राम तुलडांडा से। अर्जुन जी, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है सर, आपको सभी डिलर स्टाफ ने पता कर लिया होगा, वैसे समस्या तो यही है, हम तो इतनी दूर से राशन जाता है कि खाली डांडा से वहाँ से खतरू में जाता है, वहाँ से खसरा किराया 300 रुपये किराया खाली डांडा से वहाँ तक किराया, हमें अभी तक मतलब 180 रुपये किराए के मिलता है यहाँ से। हम मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे किराया मतलब बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं जाए, वही मतलब तो बोरिया मतलब आपको पहले मतलब सभी डीलरों ने सूचित किया गया है। बस यहाँ पे दिक्कत और भी निकल के आ रही है कि जहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है वहाँ पे खच्चरों से भी ज्यादा ज्यादा जा रहा है, लेकिन उसका भी इनको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है, यही बात है ना। तो यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए, इस कोरोना काल में इनको फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, मदद किया है, फ्री राशन गवर्नमेंट ने वितरण किया है, तो उसके बारे में इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे धरातल पे बिल्कुल जीरो है, काफी परेशान है, ना खुश है यहाँ पे विक्रेता। आप नमस्कार सर, सुनना, मेरा नाम रमेश सिंह रावत है, मैं ठीक भी हूँ इधर नैनपुर। हमें स्थिति भाई लोगों ने बता दी कि ये तो सरकार किराया नहीं दे रही है, फ्री का हमने 3 साल मैंने राशन बांट दिया, रेगुलर तो हम बांटते ही है ना, रेगुलर राशन तो हम बांटते हैं, न किराया है न भाड़ा है, खचर का ढुलान है, यहाँ 50-52 किलो का चालन लग रहा है हमारा, और हमको यहाँ 45 किलो मिलता है, कुछ नहीं है, मतलब सरकार चल रही है, हमारी पहले मांगी भी थी, साफ सुथरी मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, चल रहा है जैसे चल रहा, चलने दो, कुछ नहीं हो रहा, सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। अब ऐसा है कि अब मतलब हमारा एक ये संगठन है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो और ये सरकार भी जरा हमारी सुध ले, नहीं तो ये जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बहुत संस्था है, उनको मानदेय मिले, हमको मानदेय भी नहीं है, हमारी ये मुख्य है कि हमको मानदेय चाहे, हमारा यहाँ से जो किराया राशन तोड़ के मिले, किराया भत्ता मिले, हमारे को चीजें मिले, जी जी जी, खास खुशियाँ मांगे। तो इनके मांगे जो रखी हैं सरकार के बीच, इसको सरकार को सोचनी चाहिए कि यहाँ पे आप अगर आशा कार्यकर्ता है, कई ऐसे जो प्रधान है जिनको आप सम्मानित भी करते हो, तो कोरोना काल में क्या इन लोगों ने इन्होंने काम नहीं किया, क्या इनको आप सम्मानित करने का कोई जरिया नहीं बन सकता इनका, इन्होंने फ्री राशन यहाँ पे वितरण किया है, पूरी मेहनत से अकेले लगे हुए हैं, अभी फॉर्म भर रहे हैं राशन कार्ड के, काफी भीड़ हो रही है वहाँ पे, अकेले लगे हुए हैं अभी अपने दम पे, लेकिन अभी इन्होंने अल्टीमेशन दे दिया है गवर्नमेंट को कि आप नवंबर तक अगर आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे, तो हम रोड पर निकलेंगे। धन्यवाद, आप देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन नैनडांडा।
मेपाल सिंह जी और नजीम जी के साथ। थैंक यू। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों ने देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दिनू ते से की समाली लावा, ए जावा ए जावा।